हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान। एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लाइन हाजिर क्या होता है, सस्पेंड क्या होता है और डिसमिस क्या होता है, और इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कई बार किसी को ऐसा कहा जाता है कि आपको लाइन हाजिर किया जाता है, किसी को यह कहा जाता है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाता है, और किसी को यह कहा जाता है कि आपको डिसमिस कर दिया जाता है। तो आखिर ये तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है और इस पर जॉब पर और सैलरी पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि लाइन हाजिर, सस्पेंड और डिसमिस की। कई बार किसी अफसर को या सरकारी कर्मचारी को यह कहा जाता है कि आपको लाइन हाजिर किया जाता है। अब इसका यह मतलब होता है कि उस अफसर को कोई जिम्मेदारी वाला काम सौंपा गया होगा और वो अपनी जिम्मेदारी वाला काम है वो जिम्मेदारी से नहीं निभा पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसे उस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाता है और किसी और अफसर को या सरकारी कर्मचारी को उस जिम्मेदारी वाला काम सौंपा जाता है। तो जब किसी सरकारी कर्मचारी अफसर को अगर जिम्मेदारी वाले काम से हटाया जाता है तो उसे लाइन हाजिर किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। अब उसमें यह होता है लाइन हाजिर में कि उसकी जो जॉब है या फिर उसकी जो सैलरी है उस पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ता है, ना ही उसकी सैलरी कम होती है या उसकी डिडक्ट होती है या फिर उसे जॉब से निकाल दिया जाता है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है। केवल ये यहाँ पे ये ध्यान रखा जाता है कि इसे जिम्मेदारी वाले काम नहीं देने हैं और उसे कभी भी जिम्मेदारी वाले काम नहीं सौंपे जाते हैं। लेकिन इसका ये असर ये आता है लाइन हाजिर का कि जब प्रमोशन की बात आती है तो उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि ये जो अफसर था या जो सरकारी कर्मचारी था वो अपनी काम जिम्मेदारी से नहीं कर पाता था तो कहीं ना कहीं उसका असर उसके प्रमोशन पर पड़ता है। अब बात करते हैं सस्पेंड की कि सस्पेंड क्या होता है। तो अगर कोई सरकारी कर्मचारी या अफसर अपने पद का दुरुपयोग करता है या अपने काम में गलत उसका उपयोग करता है या फिर कोई गलती करता है और या किसी भी कारण से अगर वो उसके खिलाफ कोई कंप्लेन आती है तो उसके खिलाफ एक कमेटी बैठती है और जांच होती है। तो ड्यूरिंग जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है, जब तक जांच होती है, तो उसे ये कहा जाता है कि इस शिकायत के आधार पर आपको अभी सस्पेंड किया जाता है और इन फ्यूचर अगर जो कंप्लेन है या कमेटी है अगर वो आपको निर्दोष आप उसमें निर्दोष साबित हो जाते हैं तो फिर आप अपनी ड्यूटी फिर से वो ज्वाइन कर सकता है। यानी कि अगर किसी के खिलाफ शिकायत आती है, कोई पद का दुरुपयोग करता है और ऐसे में उसके खिलाफ जांच होती है तो जांच के दौरान उसे सस्पेंड किया जाता है और सस्पेंड होने के कारण यहां पर उसकी जो सैलरी है वो आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है, और जब तक वो सस्पेंड है वो ड्यूटी पर भी नहीं आ सकता है। लेकिन जब कमिटी बैठती है, जांच होती है और अगर वो निर्दोष पाया जाता है तो वो फिर से वही अपने काम पर लौट सकता है और फिर से वो उसकी सैलरी फिर से पूरी मिलने लगती है। लेकिन अगर किसी कारणवश वो सरकारी कर्मचारी या सरकारी अफसर अगर जांच में दोषी पाया जाता है तो उसे डिसमिस कर दिया जाता है। डिसमिस यानी कि अब वो फिर से वो अपनी जॉब नहीं पा सकता है और जो आधी सैलरी मिलती थी वो भी बंद हो जाएगी। यानी कि डिसमिस में क्या होगा कि उसकी पूरी जॉब भी चली जाएगी और सैलरी भी बंद हो जाएगी। और डिसमिस में ये भी होता है कि वो कोई अन्य सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन नहीं कर सकता है। यानी कि सस्पेंड में क्या होता था कि अगर जांच कमेटी बैठी है और निर्दोष पाया जाएगा तो वो फिर से वो अपनी जॉब पा सकता है, लेकिन यहाँ पर डिसमिस में वो ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं रहता है। तो ये डिफरेंस होता है कि लाइन हाजिर यानी कि कोई जवाबदारी वाला काम होता है उसमें से उसे हटा दिया जाता है और किसी व्यक्ति को वो जवाबदारी वाला काम दे दिया जाता है तो उसे लाइन हाजिर किया है, ऐसा कहा जाता है। सस्पेंड में होता है कि अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेन आती है या उसका कोई गैर व्यवहार के कारण उसे सस्पेंड कर दिया जाता है तो उसकी सैलरी आधी हो जाती है और अगर वो उसमें कोई कमिट जांच में वह निर्दोष पाया जाता है तो वो फिर से आ सकता है। अगर निर्दोष नहीं पाया जाता है तो उसे डिसमिस कर दिया जाता है और डिसमिस करने के बाद उसके जो जॉब के चांसेस थे, सैलरी के चांसेस थे, वो सारे वहां पर बंद हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है लाइन हाजिर, सस्पेंड और डिसमिस में। तो दोस्तों, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।